हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार, आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, हम बात करने वाले हैं कार ट्रेड की। कार ट्रेड बहुत टाइम से हमने देखा है ये शेयर, ओके, और इसने एक लगातार एक गिरावट लगातार यहाँ पर शो करी है। आप देख सकते हैं कि कैसे 1624 पे ये शेयर चलता था और कितने पे आ गया था, 400 रुपये पे आ गया था। लगभग 1/4 यहाँ पर ये शेयर अगर 3/4 गिर गया था और 1/4 ही यहाँ पर रहता हुआ नजर आ गया था। तो अब क्या इसमें चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। और मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से अब चीजें कैसे मुड़ते हुए जा सकती है, अब चीजें यहाँ पर इस तरीके से मुड़ के, ओके, यहाँ पर चीजें जाती हुई दिखाई दे सकती है और शायद अगले साल दिवाली तक ये शेयर आपको इस लेवल तक यहाँ पर ही कहीं बीच में यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो क्या यहाँ से एक बेस्ट पिक बनती है बाइंग की, उससे रिलेटेड बात करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर नजर आते हैं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। चार्ट पे क्या दिखता है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कार ट्रेड की। कार ट्रेड के गिरने का रीजन भी बताऊंगा और वो रीजन बड़ा पेचीदा रीजन था। अगर बात की जाए, मुझे नहीं पता था कंपनी क्यों कर रही थी, बट स्टिल अब कंपनी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। कार ट्रेड करती क्या है, तो कार ट्रेड एक मल्टी चैनल है और अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ बात कर रहे थे, सबसे बड़ी यहाँ पर नजर आती है, जहाँ पर ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कंपनी विद कवरेज इन द प्रेजेंस अक्रॉस व्हीकल्स टाइप्स एंड द वैल्यू एडेड सर्विसेज। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाइएगा, ओके। इनके बिजनेस पार्टनर और ब्रांड है कार वाला, बाइक वाला, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटो मॉल और एड्रियट ऑटो। इधर क्या होता है, इधर जितने भी कार्स वगैरह होती है, यहाँ पर ब्रांड पे जाइएगा तो आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर नई आपको कार यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। सारी कार्स आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर बाइक्स देख सकते हैं, एज वेल एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर ये पुरानी कार और ये सब चीज बेचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी एनेबल न्यू एंड यूज्ड ऑटोमोबाइल कस्टमर्स, है ना। तो यहाँ पर आप अपनी पुरानी कार को बेच भी सकते हैं, नई कार को यहाँ पर खरीद भी सकते हैं और यहाँ पर वैरायटी मिल जाती है, रिव्यूज मिल जाते हैं, सब चीज यहाँ पर पता चल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे शॉपिंग करने जाते हैं, ओके, और वहाँ पर एक ही अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखते हो तो रिव्यू भी मिल जाते हैं, उसे बेचने वाला भी मिल जाता है, उसे खरीदने वाला भी मिल जाता है, ओके। बट वहाँ पर यूज प्रोडक्ट नहीं मिलते, बट यहाँ पर यूज प्रोडक्ट में जैसे कि आपकी कार है आप बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बायर मिल जाएंगे। व्हीकल्स OEMs एंड अदर बिजनेस में ये कंपनी काम करती है, एज वेल इनका जो पैसा है यहाँ पर ब्रांड से भी आता हुआ, मतलब एडवर्टाइजमेंट से भी आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ब्रांड है वो यहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट करती हुई दिखाई देती है, एज वेल एज यहाँ पर अब ये बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड यहाँ पर ये करते हुए नजर आते हैं। तो अच्छी खासी कंपनी है, कंपनी सही नजर आती है, नई एज की कंपनी है, ओके। और ऐसी कंपनी आगे चल के शायद बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट चार्ट पे क्या दिखता है हमें यहाँ पर, हमें लॉन्ग टर्म तो यहाँ पर बन नहीं रहना है कि हमने एक बार खरीद लिया तो देखेंगे हम इसे 20 साल बाद, ऐसा तो यहाँ पर हमें करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अगर अपॉर्चुनिटी जहां मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, दैट्स इट, दिस इज आवर वर्क, ओके। और वो ही मैं यहाँ पर बार बार अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ और आपको समझाता रहता हूँ कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर काम करती है। स्मॉल कैप कंपनी है, ओके, अच्छे खासे यहाँ पर शेयर आया था, उसके बाद गिरता हुआ नजर आया, लोगों के पैसे यहाँ पर डूबते हुए नजर आए, काफी लोग यहाँ पर निकल भी गए होंगे, बट बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस वीडियो में पता चल जाएगी। स्मॉल कैप कंपनी है, कभी यहाँ पर बड़ी कभी यहाँ पर छोटी बन जाए आपको पता नहीं चलेगी, ओके। यहाँ पर कोई प्लेजिंग नहीं है और डेट फ्री शेयर है, ये सबसे पॉजिटिव इस पर्टिकुलर शेयर की बात है, और 10 का फेस वैल्यू भी है, ये भी एक अच्छी बात है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके गिर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और जब भी भागेगा अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा। कंपनी की देखिए, कंपनी लगातार यहाँ पर क्या हो रहा था, कंपनी के नंबर लगातार अच्छे आ रहे थे, ओके, और दोबारा कंपनी के नंबर यहाँ पर अभी फ्लैट कह सकते हो या थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। और कंपनी का बट एक चीज है कि कंपनी जो यहाँ पर लगातार लॉस दिखा रही थी, ओके, यहाँ पर क्या है, पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट दिखा रही है और यहाँ पर जो मार्जिन कंपनी के आ रहे हैं वो मार्जिन क्या आ रहे हैं, एक बेहतरीन मार्जिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 2.96 था, अभी 9.31 है, और ये अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वार्टर की भी, तो अगले 2 क्वार्टर में भी अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर मार्जिन दिखा देते हैं तो भी ये कंपनी के रिजल्ट अच्छे माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कंपनी लगातार अच्छे, और ये कंपनी के रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आ रहे थे, अब उससे रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंपनी
यहाँ पर देखिए 93 करोड़ रुपीज का सेल्स कर रही थी, बट यहाँ पर देखिए कंपनी के खर्चे 88 करोड़ रुपीज की सेल्स कर रही थी कंपनी के खर्चे, 77 करोड़ रुपीज की सेल्स कर रही थी कंपनी के खर्चे। तो कंपनी के खर्चे ज्यादा थे, कंपनी की सेल्स कम थी, तो वो खर्चे कहाँ थे? तो देखिए कंपनी के जो खर्चे थे केवल एम्प्लॉय कॉस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 47, 153, 107। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एम्प्लॉयज कॉस्ट लगातार यहाँ पर कम होती जा रही है, और जैसे जैसे एम्प्लॉयज कॉस्ट कम हो रही है क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंपनी अब अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। अदरवाइज ये कंपनी कभी घाटे में ही नहीं आती, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये कंपनी घाटा भी क्यों पेश कर रही थी। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, ओके यहाँ पर रिजल्ट है इनके, ठीक है रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, तो कंपनी के रिजल्ट है ओके। तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी कैसे। तो यहाँ पर देखिए हम एक्सपेंस वाले सेक्शन में आ गए, एक्सपेंस वाले सेक्शन में आने पर आपको पता चलेगी सितंबर 2030 के, ओके एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस और ये जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयज को, कुछ ज्यादा ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। और बेनिफिट भी किस तरीके के यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर कंपनी फ्री में शेयर बांट रही है अपने एम्प्लॉयज को। यहाँ पर आप मैंने पहले पढ़ा था ओके, अभी नहीं देखिए, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूड नॉन कैश शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंसेस एज पर द प्रीवियस। यहाँ पर आप देखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट, तो यहाँ पर ये जो शेयर्स को बांटना और नॉन कैश शेयर ये बांटना, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, एम्प्लॉयज कॉस्ट में ही सारे पैसे जा रहे थे। अदरवाइज कंपनी अच्छा खासा क्या कर रही है, सेल्स कर रही है, बट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस यहाँ पर कंपनी पूरा का पूरा मात मात खा रही थी। बट अभी क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कंपनी को थोड़ी सी यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही है, बेफालतू के यहाँ पर जो शेयर्स एक्सपेंसेस और ये एम्प्लॉयज कॉस्ट आ रही थी उसको इन्होंने अब धीरे धीरे कटआउट करना शुरू कर दिया। अब जब कटआउट करना शुरू कर दिया है तो कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव शो कर रही है, और यहाँ पर देखिए कंपनी काफी टाइम बाद हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट में आ रही है ओके। और धीरे धीरे एक बार कंपनी आ जाएगी अच्छे खासे मार्जिन यहाँ पर, और एम्प्लॉयज कॉस्ट और ये बेफालतू की कॉस्ट ये कम कर देगी, तो यहाँ पर और अच्छे खासे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ईयरली बेसिस पर देखेंगे एक अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें दिखाई देती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, यहाँ पर 2022 में पूरा का पूरा ये चेंज होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी भी TTM बेसिस पे यहाँ पर घाटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें हैं, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं एक पॉजिटिव बात है, कंपनी की बोरिंग 77 करोड़ के आसपास है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रखा है, कैश कंपनी का अच्छा खासा है, तो कंपनी हर तरीके से अच्छी है। बस जो ये चीज थी वो यहाँ पर धीरे धीरे हट रही है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब यहाँ पर देखिए 16% शेयर थे FIIs के पास, जो अभी लगभग 21.5% के आसपास हो गए हैं, और DIIs ने हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है, 5% के आसपास ही है, बट पब्लिक के पास से हिस्सेदारी यहाँ पर अब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये पब्लिक के पास से कम होना एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर नजर आती है। और 73 में भी आप देखेंगे तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने हिस्सेदारी अपनी ले रखी और एज इट इज बने हुए है। तो यहाँ पर चार्ट में क्या नजर आता है अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमने एक वीडियो बनाई थी देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग की, जहाँ पर हमने क्या बताया था कि 100% के गेन डी लिंक में होते हुए नजर आएंगे ओके। और अभी मैं आपको अगर बताऊं तो डी लिंक कल से आज तक कितना भाग चुका है, कल से आज तक डी लिंक लगभग लगभग 30% भाग चुका है। तो इस तरीके से हमने कैसे ये स्टॉक्स की पिकिंग करी, कैसे हम स्टॉक्स को पिक करके चीजें खरीद सकते हैं और बेचते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है ओके। तो आप हमें यूट्यूब पे, ट्विटर पे और सब जगह फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पर देखिए टू अर्न मोर फर्स्ट लर्न मोर, तो आपको सीखना पड़ेगा, जहां पर मैं आपको रिसर्च टेक्निकल फंडामेंटल सब चीज सिखा रहा हूँ। ये कोर्स 50 से 60 हजार का होता है, बट मैं आपको 15,000 में वो भी वन ऑन वन आपको सिखा रहा हूँ, जब तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाएगी चार्ट पे, जब तक मैं प्रूव नहीं कर दूंगा किस तरीके से चीजें काम करती है, वो आपको क्लास तब तक एंड नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी समझिए, तो स्ट्रेटेजी यूज सब चीज यहाँ पर आपको दी जा रही है ओके। कोई भी यहाँ सीख सकता है, 8860540501, 8169261037 कॉन्टेक्ट करिए। और इसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 15 स्टॉक्स आपको ऐसे सॉरी मैं आपको 15 दिन तक ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जहां पर आप इंट्राडे भी करेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, और इस तरीके के भी स्टॉक्स बताऊंगा जो यहाँ पर भाग रहे हैं। तो चैन यहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, बाकी अगर कोई क्वेरीज आती है तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं ओके। ये डिफरेंट चार्ट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे हम आ जाते हैं कार ट्रेड पे। तो कार ट्रेड यहाँ पर देखिए गिरता हुआ नजर आया
ये एडवांस फीवो की टेक्निक है जो यहाँ पर बता रही थी किस तरीके से चीजें गिर रही है। तो यहाँ पर देखिए चीजें ऑलरेडी गिर चुकी है और अब क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन जिगजैग मोशन में एक पर्टिकुलर पैरेलल चैनल है ये, जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ टेक्निकल का एक पार्ट है। तो यहाँ पर या तो ये इस तरफ या इस तरफ की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर चीजें सुधर रही है तो मुझे लग रहा है नीचे तो नहीं बट ऊपर की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अगर कोई यहाँ से भी बाई करता है ओके, तो 25% के रिटर्न तो उसके यहाँ पर बन गए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही ये पर्टिकुलर लाइन को ये क्रॉस कर देगा ओके, तो चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, चीजें यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाएगी और राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाएगी। अब कब तक ये हो सकता है, तो मुझे लगता है कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम अभी थोड़े से कम है बट एक साथ जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेंगे चीजें दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आएगी। कंपनी ने रिजल्ट पेश कर दिया, कंपनी ने अपने आप को बार बार प्रूव कर दिया है ओके, कंपनी पहले से ही प्रूव करती आ रही थी बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया कंपनी भाग नहीं रही थी बट अब भागने को बिल्कुल तैयार है। तो कार ट्रेड की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, कंपनी अच्छी नजर आती है बट अगर इस पर्टिकुलर लेवल से ये टूट जाता है तो चुपचाप बेच के भी निकलना है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब जगह से फॉलो कर लीजिए और इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोर्स की डिटेल ले लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।